माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं और इनस्क्रिप्ट फॉन्ट इनेबल कैसे करते हैं और इंग्लिश का कौन सा लेटर में हिंदी का कौन सा लेटर मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम पावर पॉइंट पर लेकर जाते हैं ताकि आपको ये समझा सकें कि कौन से लेटर पर फिंगर लेकर जाना है, कौन से लेटर में हिंदी का कौन सा लेटर मिलेगा, और इसके बाद हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइप करके भी दिखाएंगे। तो जैसा कि देख रहे होंगे मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट, और ये ध्यान रखिएगा ये कृतिदेव फॉन्ट से थोड़ा सा अलग है, हालांकि आप इसको इजी भी कह सकते हैं क्योंकि कृतिदेव फॉन्ट में जो लेटर होता है स्वर और व्यंजन मिलाकर होता है, इसमें अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें हम लोग जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं सेम उसी के तरह इस पर भी आपको फिंगर रखना है। जैसे इंग्लिश में कैसे फिंगर आप रखते होंगे तो याद होगा उसमें होम रो, इसके बाद टॉप रो और इसके बाद बॉटम रो होता था, जिसमें बताया गया होगा कि लेफ्ट हैंड का चार फिंगर ए एस डी ए पर और राइट हैंड का चार फिंगर सेमीकोलन एल के जे पर रखना होता है। चलिए दिखाते हैं यहाँ पर, यानी हम लोगों को फिंगर किस पे रखना है, होम रो पर। यानी अगर आप इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइपिंग करना है तो आपको फिंगर कहाँ रखना है, होम रो पर। हालांकि आप जब इंग्लिश टाइपिंग करते हैं उसमें भी फिंगर आपका होम रो पर ही रहता है। और होम रो में कौन कौन सा लेटर आपको मिल जाता है, इस पर मिलेगा ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलर और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तो एक एक करके होम रो, टॉप रो, बॉटम रो पूरा आपको आपको हिंदी टाइपिंग इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ से ना लेटर क्या क्या मिल जाता है, ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलन और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेम वैसे ही है जैसे आपका इंग्लिश टाइपिंग होता है। अब इसमें फिंगर क्या करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग में आप फिंगर किस पर रखते थे, जो लिटिल फिंगर होता है लेफ्ट हैंड का वो ए पर रखते हैं, दूसरा जो रिंग फिंगर है ये आप एस पर रखते हैं, मिडिल फिंगर ये आपका डी पर रखते हैं, इंडेक्स फिंगर आपका एफ पर रखते हैं और यही इंडेक्स फिंगर आपका जी भी पर लेकर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रखते तो ए एस डी एफ पर है लेकिन फिंगर जो है बगल में जी पर भी जाएगा, क्योंकि थंब का यूज, जो अंगूठा है उसका यूज ना आपको होम रो पे करना है, ना टॉप रो पर करना है और ना ही आपको बॉटम रो पर करना है। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा कि आपका जो लिटिल फिंगर है ये आपका सेमी कॉलन पर जाएगा, दूसरा जो रिंग फिंगर है ये आपका एल पर, मिडिल फिंगर ये आपका के पर और इंडेक्स फिंगर आपका जे पर, और इसी इंडेक्स फिंगर से आप क्या प्रेस करेंगे, एच। और एक बच जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसके लिए आप लिटिल फिंगर का ही यूज करेंगे। यानी अगर आप ये कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपका फिंगर रखे हुए हैं। यानी आप ये भी सीख सकते हैं इस वीडियो में कि इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग में कौन से लेटर पर फिंगर रखते हैं। ठीक है, तो अब तो ये होम रो पर आप फिंगर रख दिए, अब क्या करना है कि आप टाइप किस पे कर रहे हैं, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइप करें। और इनस्क्रिप्ट फॉन्ट क्या करना है कि डिफॉल्ट कंप्यूटर में इंग्लिश टाइप होता है, अगर आपको भाषा बदलना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन के साथ आप अल्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, और या तो आप ये कर सकते हैं अल्ट के साथ आप शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, बात बराबर है, शिफ्ट के साथ आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए या अल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, आपका भाषा चेंज हो जाएगा। हम दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हैं, अभी अगर हम यहाँ से कुछ लिखेंगे ना, जैसे झारखंड, ठीक है, सॉरी झारखंड, तो इस तरह से इंग्लिश में टाइप हुआ है ना, लेकिन अभी क्या करना है कि हमें भाषा बदलना है, तो जैसे हम अल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे अब आपका भाषा बदल जाएगा, ऐसे पता भी चलता है। ठीक है, नीचे जो टास्क बार होता है वहाँ पर पता भी चलता है, और नहीं पता चले तो आप थोड़ा सा टाइप करके देखिए, अगर कुछ टाइप करते हैं और वो अगर टाइप हो जाता है हिंदी में, देखिए टाइप हो रहा ना हिंदी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लैंग्वेज चेंज हो चुका है। तो अब यहां से क्या हुआ कि जैसे लैंग्वेज चेंज होगा तो कौन से लेटर में हिंदी का कौन सा लेटर होगा, तो सबसे पहले समझिए कि जैसे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस की भाषा बदल गया, हम थोड़ा सा यहां से ना चेंज कर देते हैं, शिफ्ट के साथ अल्ट करने के बजाय हम यहां से अल्ट के साथ शिफ्ट लिख देते हैं, अल्ट बटन के साथ क्या प्रेस करना है आपको, शिफ्ट बटन प्रेस करना है, तो भाषा क्या होगा, बदल जाएगा। तो कुर्तिदेव फॉन्ट से इनस्क्रिप्ट फॉन्ट को हम अलग इसलिए भी कहते हैं
क्योंकि लेफ्ट हैंड में ना और राइट हैंड में इसमें एक आप समझते होंगे हिंदी टाइपिंग में स्वर और व्यंजन होता है, मतलब जैसे अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ये सब जो होता है ये स्वर होता है, और जो क ख ग घ या क च ट त प वाला जो लाइन होता है वो व्यंजन होता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड से क्या होता है स्वर टाइप होता है और राइट हैंड से व्यंजन टाइप होता है। लेफ्ट हैंड से स्वर टाइप होता है और राइट हैंड से व्यंजन स्वर बोल सकते हैं, स्वर का मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, जैसे ही आप लिटिल फिंगर से ए प्रेस करेंगे या ए पर तो फिंगर रखे ही है लेकिन ए जब प्रेस करेंगे तो इसमें मिल जाता है आपको ओकार की मात्रा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपका ओकार की मात्रा। जब रिंग फिंगर से एस प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा एकार की मात्रा, सिर्फ मात्रा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मात्रा। इसके बाद मिडिल फिंगर से जब डी प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिल जाता है हलंत। अब ये हलंत ना इनस्क्रिप्ट फॉर्म पर किसी भी लेटर को आधा करने के लिए करते हैं। जब किसी लेटर को आधा करना है तो उसके नीचे हलंत लगा दीजिए, और जब कोई लेटर नेक्स्ट लेटर आप प्रेस करेंगे ये लेटर आपका आधा हो जाएगा। इंडेक्स फिंगर से जब एफ प्रेस करेंगे तो इसमें हर्षई की मात्रा, ठीक है, और इसी इंडेक्स फिंगर से जब आप जी प्रेस करेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपका हर्षव की मात्रा। मतलब आपको इसमें देखिए सारा आपका क्या मिला, स्वर ही मिला, ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, हलंत, हर्षई की मात्रा, हर्षव की मात्रा, ठीक है। ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, हलंत, हर्षई की मात्रा, हर्षव की मात्रा। और जैसे ही शिफ्ट बटन के साथ प्रेस कीजिएगा, जैसे ही शिफ्ट बटन के साथ प्रेस कीजिएगा, आपको पता है ना जैसे इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है शिफ्ट तो लेटर को चेंज कर देता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में क्या करता है जो इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर क्या करता है उसका लेटर लाएगा। जैसे शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो इसका लेटर कैसा होगा, ऐसा होता है ओ, यही ना, ऊपर वाला ओकार की मात्रा है और ये वाला ओ है। शिफ्ट के साथ जब एस प्रेस कीजिएगा तो इसका लेटर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ये जब एकर की मात्रा है तो उसका लेटर क्या होगा, ए होगा। शिफ्ट के साथ जब डी प्रेस कीजिएगा तो इसका तो लेटर नहीं होता तो इसमें ना आपका मिलेगा अ, ठीक है, ओ ए अ। शिफ्ट के साथ जब एफ प्रेस करेंगे तो इसका तो लेटर मिलेगा, इसका लेटर मिलेगा तो यहां से हो जाएगा आपका हर्षई, ठीक है। और शिफ्ट के साथ जब जी प्रेस करेंगे तो इसका भी लेटर होगा तो इसका लेटर होगा आपका हर्षव। यानी शिफ्ट के साथ क्या मिल गया, ओ ए अ हर्षई हर्षव, ओ ए अ हर्षई हर्षव। और नॉर्मल जब ऐसे ही प्रेस करेंगे आप तो मिलेगा ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, हलंत, हर्षई की मात्रा और हर्षव की मात्रा। ये था आपका लेफ्ट हैंड से। अब राइट हैंड से जब हम टाइप करेंगे तो राइट हैंड से हम आपको क्या बताएं कि इसमें आपको व्यंजन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे लिटिल फिंगर से जब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे तो इसमें मिल जाता है ट, ठीक है। इसके बाद लिटिल फिंगर से ही जब आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा च, हम आपको लिखकर दिखाएंगे भी, ठीक है। इसके बाद रिंग फिंगर से एल प्रेस करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको त, और मिडिल फिंगर से जब आप के प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपको क, और इंडेक्स फिंगर से जब आप जे प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा र, और इसी इंडेक्स फिंगर से जब एच प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा प। तो मतलब आपको इधर से क्या क्या मिल जाता है, ट च, और ध्यान रखिएगा ये दोनों आपको लिटिल फिंगर से ही प्रेस करना है, ट भी और च भी। इसके बाद त क र प, और ये इंडेक्स फिंगर से ही र प्रेस होगा और इसी इंडेक्स फिंगर से आप प प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड से जब हम प्रेस कर रहे थे इसमें तो उसका लेटर आ रहा था, लेकिन राइट साइड में तो व्यंजन है ना, और व्यंजन तो खुद अपने आप में एक लेटर है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इसका ना अगला क्रम आएगा। जब आप पढ़ेंगे तो इसका अगला क्रम, जैसे बचपन से पढ़े होंगे ना व्यंजन, तो उसका अगला क्रम क्या होता है, जैसे ट के बाद क्या होता है, ठ होता है। तो जैसे शिफ्ट के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कीजिएगा जिसमें मिलेगा आपको ठ, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ जब आप सेमी कोलन प्रेस कीजिएगा तो च का अगला क्रम क्या होता है, छ होता है, तो इसमें आपको मिलेगा छ। इसके बाद शिफ्ट के साथ जब आप एल प्रेस करेंगे
तो यहां से त होता था सिंपल में, लेकिन शिफ्ट के साथ फिर क्या मिलेगा, त के बाद क्या होता है, थ, तो यहां पर थ मिलेगा। क के बाद ख होता है ना, तो शिफ्ट के साथ के प्रेस कीजिएगा तो ख होगा। हाँ, र में आपका चेंज है, र ही है, लेकिन र में ना यहाँ से क्या लगा हुआ, नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प के बाद क्या होता है, फ होता है, तो जैसे शिफ्ट के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा फ। सेम देखिए, प के बाद फ, क के बाद ख है, त के बाद थ, च, छ, ट और ठ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कृतिदेव फॉन्ट से इजी है, चलिए आपको दिखाते हैं। और इसके बाद जो टॉप रो होगा वो तो और भी इजी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा लेटर उस पर दिया हुआ है। यहाँ पर आते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से पूरे को मिटा देते हैं, ठीक है, पूरे को मिटा देते हैं। अब यहाँ से जब हम कुछ टाइप करेंगे तो किस में हो रहा है, हिंदी में, वही इनस्केट फॉन्ट पर टाइप होगा। तो देखिए, जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्या मिला, ट, च, त, क, र, प, ठीक है। और जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो देखिए ठ, छ, थ, ख, र और यहाँ से फ। लेकिन यही चीज अगर हम यहां से देखें, अगर हम ए एस डी एफ जी प्रेस कर रहे हैं तो कोई भी लेटर टाइप हुआ नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, कुर्तिदेव में ऐसा नहीं होता था। इनस्क्रिप्ट फॉन्ट में क्या होगा कि जब भी आप इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइप कर रहे हैं ना, तो मात्रा ऐसे नहीं होगा, जब आप प्रेस करेंगे मात्रा लिखाएगा ही नहीं। जब भी मात्रा लगता है तो किसी व्यंजन में लगता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, व्यंजन लाना पड़ेगा। जैसे ट लिखे हम यहाँ से, सॉरी, च लिखे, और जैसे ए प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें मात्रा लग गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे हम के प्रेस किए और जैसे एस प्रेस करेंगे तो इसका मात्रा लग गया। फिर से के प्रेस किए और डी प्रेस किए, देखिए इसमें हलंत लग गया। फिर यहाँ से क लिखे और जैसे एफ प्रेस करें, देखिए हर्षव की मात्रा। फिर यहाँ से क और जैसे जी प्रेस करेंगे तो हर्षव की मात्रा। मतलब जब भी आपको कोई मात्रा लगाना है तो पहले आपको व्यंजन लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले आपको व्यंजन लिखना है, फिर इसके बाद उस पर मात्रा लगाना है। जैसे हर्षव की मात्रा भी देना पड़ा ना, तो देखिए के प्रेस किए, सॉरी क प्रेस किए, इसके बाद जैसे एफ प्रेस करेंगे अपने आप जाके वो लग जाएगा पहले। तो इस तरह से ही आप क्या कर सकते हैं, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला भी बहुत इजी है, पहले इस लाइन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या क्या होगा, हाथ बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश टाइपिंग के अनुसार ही होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला इजी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टॉप रो बताएंगे, बॉटम रो बताएंगे, और याद करने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने सिस्टम पर भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो में आप इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर होम रो पर क्या क्या लेटर होता है, कैसे टाइप करना होता है, कैसे इनेबल करना होता है, ये आप समझे होंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।